हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट मोबाइल रिपेयर में। तो आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि मेरे पास एक इनफिक्स का हॉट 8, और आप देखिए कि कंडीशन इसकी कितनी बेकार है। जो कि कस्टमर का कहना है कि चार दुकानदारों से ये वापस आ गया है, मना कर दिया है कि ये सेट नहीं होगा। और कंडीशन भी आप देख सकते हैं कितनी टॉप की कंडीशन इसकी कर रखी है। समझ में नहीं आता कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं। और डिस्प्ले कनेक्टर भी आप देख लीजिए कितना डैमेज है इसका, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इसकी कंडीशन है। कोई नहीं, फिर भी हम इसको देखेंगे। हमारा काम है देखने का, काम बने या ना बने। मैं हमेशा कहता हूँ कि काम बने या ना बने, हमेशा प्रॉपर तरीके से काम करिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम, मैं बता दूं प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें लाइट है, ग्राफिक्स इसमें नहीं है। इसमें ग्राफिक्स नहीं है, और ग्राफिक्स आईसी भी और लाइट आईसी भी दोनों ही चेंज करके देख चुके हैं जो शॉपकीपर के पास से आया है, लेकिन इसमें जो है ग्राफिक्स नहीं आए हैं। और हालत तो आपने देख ही ली है, बोर्ड की बहुत ही क्रिटिकल है। तो ऑन ऑफ पत्ता भी इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि टिकली जो कह सकते हैं, जोस्टिक कह सकते हैं, वो ख़राब है। तो चिमटी से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो देखिए लाइट इसमें आ गई है, होल्डर में जो है लाइट आ गई है, और डिस्प्ले वगैरह में कोई भी ग्राफिक्स इसमें नहीं है, लाइट इसमें प्रॉपर आ रही है। तो देखेंगे आज इस वीडियो में कि आखिरकार ये प्रॉब्लम में ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। चार शॉपकीपर इसको रिटर्न कर चुके हैं, ऐसा इसमें क्या प्रॉब्लम है जो ये नहीं बन पा रहा है। और हम भी इसमें कोशिश करेंगे, माशाल्लाह हमें सक्सेस मिल जाए। कस्टमर बोल रहा है कि सेट गिर गया था, गिरने के बाद ये प्रॉब्लम आई, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि टेक्नीशियन इतनी गंदी तरीके से कैसे काम करते हैं। बोर्ड पर जब भी काम करे, हमेशा बोलता हूँ और बोलता नहीं, आपको करना भी चाहिए ऐसा ही, कि बिल्कुल सफाई के साथ, क्लीनिंग के साथ आप बोर्ड पे काम करें, बिल्कुल एकदम चमका के। हालत तो ऐसी देख लग रही थी कि ऐसे देखना तो टाइम वेस्ट करना है, लेकिन कस्टमर बोला कि मेरे पास जो है पैसे नहीं है नए मोबाइल लेने के, तो आप इसे कोशिश करके जैसे भी है बना दीजिए, देख लीजिए होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है इस पर कोशिश करेंगे कि उनके पैसे बचाने की, बहुत सी मजबूरी आ जाती है, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको इसकी कंडीशन जो है माइक्रोस्कोप में भी दिखा देता हूँ, चलिए माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं। तो देखिए कंडीशन कितनी बैडली है इसकी, क्रिटिकल है, और कनेक्टर की भी हालत देख लीजिए आप, देखिए कितनी ही कंडीशन बेकार है, ठीक है। चलो पहले तो मैं थोड़ा इसका सफाई सफाई करूँगा बोर्ड की, और उसके बाद मैं कनेक्टर ही चेंज करूँगा। सबसे पहला जो मेरा वर्क होगा, सबसे पहले मैं कनेक्टर ही चेंज करूँगा। और देखिए ज़रा रंगा पांगा, और जो हमारे रजिस्टर वगैरह हैं वो भागे फिर रहे हैं। तो इतना बेकार इसकी क्रिटिकल कंडीशन हमारे भाई टेक्नीशियन भाई ने, किसी ने कर दी है इसकी। रजिस्टर को एक साइड में रख लेते हैं। तो देखिए क्या इसकी हालत है, नज़दीक से देखिए, रंगा वांगा और बीच में फंसा पड़ा है, देखिए हिट विट मार रखी है, और देखिए रंगा वांगा निकला पड़ा है पावर आईसी के पास से। हालांकि यह के सेट ऑन है, डेड नहीं है, इतना शुक्र है उस भाई का। देखिए रंगा वांगा जो है इधर उधर फंसा पड़ा है, और आप हालत भी देख सकते हैं बोर्ड की। जब भी काम करे यार, सफाई से काम करे, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन काम करे बोर्ड पर, उसमें आपको भी अच्छा लगेगा काम करने में। और जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा हुआ है इसको निकाल लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। तो कंडीशन आपने देख ही ली है क्या है इसकी बोर्ड की। काम करने का मन तो इस पर कर नहीं रहा था, लेकिन भाई की बात सुनकर लगा कि हाँ यार, उसे ज़रूरी है फ़ोन, क्योंकि आज के समय में फ़ोन के बिना कुछ भी नहीं। एक समय रोटी खाए बिना रह लेंगे, लेकिन फ़ोन के बिना और रिचार्ज के बिना नहीं रहेंगे। तो थोड़ी सफाई कर लेते हैं बोर्ड की।
और पहले मैंने कहा ही था आपको कनेक्टर ही चेंज करूँगा मैं इसका, मेरे पास कनेक्टर नहीं था लेकिन एक बोर्ड से मैंने कनेक्टर का मैनेज किया, एक कनेक्टर का मैनेजमेंट किया, एक बोर्ड से मैंने निकाला है। तो पहले हम इसको ही रिमूव कर लेते हैं और आज इसमें दिखाऊंगा कि कितना सेफली आप ये कनेक्टर भी लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ तो मैंने स्पीड जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन जो मैं कनेक्टर लगाऊंगा उसमें मैंने कोई भी स्पीड फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है। तो हल्का सा पेस्ट डाल के, इसमें हल्का सा PPD डाल के जो है इसके जो प्रिंट हैं उसको ड्राई सोल्ड कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर लो कर लेंगे। इससे होगा ये कि कनेक्टर लगाते समय हमारा जो कनेक्टर है वो एकदम परफेक्टली जल्दी ही बैठ जाएगा, एकदम लग जाएगा, इसमें सोल्ड हो जाएगा। तो जब भी आप साफ काम करें तो सफाई के साथ में काम करें, आपको भी अच्छा लगेगा। तो हल्का सा इसमें हम पेस्ट डाल देते हैं और अपना कनेक्टर डाल रख कर फिर इस पर हीट लग रखते हैं। हीट मेरी रहेगी 360। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने कनेक्टर एक बोर्ड पे से निकाल कर मैनेजमेंट इसका किया है, क्योंकि ये कनेक्टर मेरे पास नहीं था। तो देखिए अब कनेक्टर लगाते हैं। कनेक्टर लगाने का बिल्कुल ही आसान तरीका, जब आप कनेक्टर लगाए तो नीचे जो प्रिंट हैं उनको आप PPD 138 से डालकर उनका जो टेम्परेचर है वो लो कर लें। और देखिए कितने आसानी से मेरा ये कनेक्टर लग जाएगा और कितने कम समय में लगेगा ये भी देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है स्पीड फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो देखिए एकदम मेरा कनेक्टर जो है परफेक्टली लग गया है। एक्चुअली इसमें क्या था, इसमें मेरा जो माइक्रोस्कोप का कैमरा था LCD थी वो नहीं चल रही थी, तो इसलिए मुझे ठीक से नहीं नज़र पा के पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है LCD में। तो देखिए मेरा जो है कनेक्टर एकदम परफेक्टली लग गया है। और जब आप कनेक्टर लगाएं तो बिल्कुल ऐसे ही लगाएं, और जो पहले आप जो है नीचे से टेम्परेचर को लो कर लें 138 PPD से, उससे यह जल्दी आपका कनेक्टर लग जाएगा और वो जलेगा भी नहीं, पिघलेगा भी नहीं और आसानी से लग जाएगा। तो कर लेते हैं इसको क्लीन अच्छे से कनेक्टर को। मार्केट में एक वाइट क्लॉथ आता है क्लीनिंग के लिए, वो परचेस करें, उससे बहुत बिंदास जो है हमारी क्लीनिंग होती है और बिंदास क्लीनिंग होती है। तो देखिए एकदम परफेक्टली हमारी जो कनेक्टर की क्लीनिंग हो चुकी है। इसमें पिन जो है ब्लैक सी दिखाई दे रही है, शायद इसमें कुछ फंसा हुआ है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं एकदम अच्छे से, जो कि परफेक्टली एकदम क्लीन हो गया है। तो देखिए आप एक हमारा जो कनेक्टर था बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। तो एक बार बोर्नियो ओपन कर लेते हैं, बोर्नियो में अपना इन्फिनिक्स हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें BP वगैरह की रीसेट लाइन की कौन कौन सी लाइन है, रीसेट की कौन सी लाइन है। तो इसमें हम LCD खोल लेंगे सबसे पहले, वेट करते हैं जब तक कि हमारा डायग्राम ओपन होता है। तो देखिए हमारा डायग्राम जो है वो ओपन हो गया है और उसमें जो है नीचे जो है एक पिन को छोड़ के ये सब 1 2 3 4 5 5 जो है हमारी MIPI की लाइनें हैं, और जो कि इसमें ड्यूल कोयल लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और आपके ऊपर VSN VSP और VRZ की लाइन हो गई, और आपका अदर 2 लाइन हो गई, रीसेट वगैरह की लाइन हो गई, रीसेट की और TA की लाइन हो गई। तो ये चेक करेंगे, ये हमारी वहाँ तक आ रही है, कनेक्टर तक आ रही है, नहीं आ रही है। और ये देखिए हमारी VSN और VSP के 2 पॉइंट हो गए, और ये VPH वाई पावर जो है कि ग्राफिक्स में ग्राफिक्स IC को जा रही है। तो चलिए चलते हैं अपना। तो स्कीमेटिक से देख के मैंने देखा कि जहाँ हमारे कनेक्टर पे MIPI की लाइनें हैं वो कनेक्टर तक उसकी कोई भी GR हमें नहीं मिल रहा था। तो
तो उसके बाद मैंने देखा कि इसमें ड्यूल कोयल जो लगी हुई थी वहाँ तक जी आर आ रहा था सीपीयू से दोनों साइड में, और कनेक्टर तक कोई भी जी आर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ध्यान से देखा कि ऐसा बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ तक जी आर आ रहा है और यहाँ तक कनेक्टर तक जी आर नहीं आ रहा है। तो बहुत देर बाद ध्यान से देखने के बाद पता लगा कि ये बोर्ड जो है यहाँ से डैमेज है, और जो है ये लेयर यहाँ से ब्रेक हुई हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड आपने देखा कि ये यहाँ से बिल्कुल लेयर जो है ब्रेक हुई हुई है कनेक्टर और ड्यूल कोल के बीच की, क्योंकि मैं पहले ही जी आर ले चुका था, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया इसमें। और हमारा जो है ड्यूल कोल जो लगी रहती है आपको पता होगा, जो हमारी मीपी की लाइन है लगभग उस मीपी की लाइन में पूरी ड्यूल कोयल होती है, लगभग सभी मोबाइलों में होती है ड्यूल कोयल। बहुत ना के मोबाइल ना के बराबर ऐसे मोबाइल मिलेंगे जिसमें ड्यूल कोयल आपको नहीं मिलेगी। तो ड्यूल कोयल के दोनों साइड हमें जी आर मिल रहा था, लेकिन दूसरी साइड से जो हमारा ड्यूल कोयल से दूसरी साइड से होके जो कनेक्टर तक आता है हमें कनेक्टर तक कोई भी जी आर नहीं मिल रहा था। तो बहुत ही ध्यान से देखने के बाद मुझे ये लाइन यहाँ से ब्रेक लगी, ये लेयर हमें यहाँ से ब्रेक लगी। यही रीज़न था जो शॉप चार शॉप से रिटर्न हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये ध्यान से नहीं देखा, और मैं भी अगर ध्यान से नहीं देखता तो मैं भी इसे शायद रिटर्न कर देता, क्योंकि इससे आगे तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही ध्यान से देखने के बाद इसमें पता लगा कि ये लेयर यहाँ से ब्रेक थी, जो कि मैंने स्क्रैच कर ली है, और ये यहाँ से होके ड्यूल कोयल के फर्स्ट सिरे पर जा रही है। तो देखिए ये सब मीपी की लाइनें हमारी जो कि सीपीयू से आती हैं, ये सब जो है ब्रेक है, ये कनेक्टर तक नहीं पहुंच पा रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिएगा ये मैंने स्क्रैच कर ली है, और अब इसमें माइक्रो जंपरिंग करेंगे। यही रीज़न हो सकता है जो भी अदर शॉप से रिटर्न हुआ है उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि बोर्ड जो है डैमेज है, ड्रॉप डाउन केस है, और कनेक्टर भी आपने देखा होगा कितनी बुरी हालत इसकी कर रखी थी। तो देखिए एक बार जो है जी आर लेके देखता हूँ कि फिर जी आर कोई बना या नहीं बना, क्योंकि ऐसे थोड़ा स्क्रैच किया तो लाइन मिल जाती है, लेकिन हमें जो है माइक्रो जंपिंग ज़रूर करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अभी भी कोई जी आर इसमें नहीं आ रहा है, मैंने मीटर तो नहीं शो किया आप स्क्रीन पर, लेकिन जी आर अभी भी हमें कोई नहीं मिला इन पिनों पे। तो चलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो देखिए एक बार और ये जो लाइन है यहाँ की दो लाइन बची हुई है इससे अगले वाली ये वाली, इन पे जीआर जो है आ रहा है, बाकी ये जो आठ लाइन है उन पे कोई भी जीआर नहीं है, इन सब पर कोई भी जीआर नहीं है। ड्यूल कोयल सीपीयू से ड्यूल कोयल के दोनों साइड जीआर आ रहा है, लेकिन कनेक्टर तक कोई भी जीआर नहीं आ रहा है। ये ड्यूल कोयल जो हमारी लगी हुई है इनके दोनों साइड जो है जीआर आ रहा है, लेकिन कनेक्टर तक नहीं आ रहा है। तो ये लेयर जो है मिसिंग थी यहाँ से, और पहले हम ये लेयर बनाएंगे, लेयर बनाने के बाद इसमें देखेंगे कि ये इसमें प्रॉब्लम है या कुछ और भी इश्यू है इसमें। तो फटाफट जो है कर लेते हैं माइक्रो जंपिंग बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जब भी आप काम करें तो बहुत ही ध्यान से काम करें। यही रीज़न था जो ये चार शॉप से रिटर्न हुआ है। तो देखिए माइक्रो जंपिंग मेरी हो गई है, और मैंने यूवी ग्लू से इसको सुखा भी दिया है, ठीक है। और जो है मैंने चेक कर लिया है मेरी जो मीपी की लाइन है कि जी आर था सब ओके आ गया है, कोई भी इश्यू इसमें नहीं रहा है। ये हमारा VSN और VSP की लाइन थी। ग्राफिक्स IC देखिए कभी हाल थोड़ा बुरा हो रहा है, लेकिन सबसे पहले अब हम इसको अपने बोर्ड को ज़रा अपने फ्रेम में लगा के देखेंगे कि इस बोर्ड में यही प्रॉब्लम थी या कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ, फ्रेम की तरफ, इसमें लगाते हैं इस बोर्ड को।
अब देखिए कंडीशन क्या है इसकी, और पहले क्या कंडीशन थी, बिल्कुल ही काम करने का इस पर मन नहीं कर रहा था, लेकिन कस्टमर की मजबूरी को समझते हुए बोर्ड पर काम करना पड़ा। तो देखिए माइक्रो जंपिंग और ग्लू एक प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं। और बोर्ड को भी एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया गया है, तो चलिए कर लेते हैं इसको फ्रेम में फिक्स और देखते हैं कि हमारा काम बना या नहीं बना। अगर ये वीडियो सक्सेस होगी तब भी अपलोड करूँगा, और वीडियो सक्सेस नहीं तब भी अपलोड करूँगा। तो इसका जो है जॉयस्टिक भी ख़राब है, तो ऑन करके देखते हैं। और माशाल्लाह देखिए हमारे ग्राफिक्स जो हैं आ गए हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो बोर्ड की लेयर जो ब्रेक थी उसी की वजह से इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे, लेकिन कनेक्टर की हालत भी बहुत ही गंभीर थी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ग्राफिक्स एकदम परफेक्टली आ गए हैं। देखिएगा अभी इसमें टच वर्क नहीं कर रही है, तो टच का भी देखेंगे ये बोर्ड का फॉल्ट है या इस फोल्डर का फॉल्ट है। बाकी जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आया था वो माशाल्लाह हो गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया।